हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग कल विजयनगर को पढ़े, विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, उसके बाद विजयनगर का प्रमुख वंश संगम वंश को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हरिहर बुक्का देवराय, देवराय द्वितीय और उसके अंतिम शासक विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का जो है, विरूपाक्ष का हत्या उसके पुत्र ही कर दी, विरूपाक्ष की हत्या उसके पुत्र ने ही कर दी, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। और चंद्रगिरी का राज्यपाल सालुब नरसिंह ने इसका फायदा उठाकर एक नया नया वंश की स्थापना करता है, जिसे सालुब वंश कहते हैं। तो आज हम सालुब वंश के बारे में पढ़ेंगे। सालुब वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो 20 साल लगभग रहता है। उसके बाद तुलुब वंश को पढ़ेंगे, जिसका प्रमुख शासक होता है कृष्णदेव राय से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जान लेते हैं सालुब वंश के बारे में। तो सालुब वंश का जो टाइम पीरियड होता है वो 1485 से 1505, मैंने ओवरव्यू दे दिया है। सालुब नरसिंह जो होता है, पहले वो चंद्रगिरी का राज्यपाल होता है, लेकिन संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष जो रहता है उसकी ही हत्या उसके पुत्र ने कर दी, जिससे राज्य में अराजकता फैल जाती है। और इसी का फायदा उठाकर इसने सालुब वंश की स्थापना करता है। और संस्थापक इसका जो होता है सालुब नरसिंह होता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है सालुब नरसिंह का 1485 से 1490 के बीच रहता है। इसने संगम वंश के राजा विरूपाक्ष द्वितीय के बाद सत्ता कब्जा स्थापित कर लेता है। इसी घटना को विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलाप्रहार कहा जाता है। बलाप्रहार शब्द से आशय है कि अपहरण। तो इस घटना को विजयनगर के इतिहास में प्रथम बलाप्रहार कहा जाता है। इसके दो पुत्र थे, सालुब नरसिंह के दो पुत्र थे, एक होता है इम्मा, एक होता है इमाडी नरसिंह। इम्मा जो होता है वो शुरुआत में इसकी मृत्यु हो जाती है, आगे चलकर इमाडी नरसिंह शासक बनता है। तो इम्मा की जल्दी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद आपका शासक आता है इमाडी नरसिंह। इमाडी नरसिंह का जो टाइम पीरियड होता है 1490 से 1505, या तुलुब वंश का अंतिम शासक होता है, सालुब वंश का अंतिम शासक होता है। इसके संरक्षक के रूप में नरसा नायक की नियुक्ति होती है। क्योंकि ये बाल अवस्था में रहता है, आगे माना जाता है कि आगे चलकर ये नरसा नायक को ये जेल में बंद कर देता है, जिससे से इसका पुत्र जो होता है वीर नरसिंह, 1505 में नरसा के पुत्र वीर नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी और एक नवीन राजवंश तुलुब वंश की स्थापना की, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। विजयनगर के इतिहास में यह घटना द्वितीय बलाप्रहार कही जाती है। प्रथम बलाप्रहार मैंने आपको बताया कि जब प्रथम बलाप्रहार जब विरूपाक्ष द्वितीय के पुत्र को अपहरण करके चंद्रगिरी का राज्यपाल सालुब नरसिंह जब करता है, और द्वितीय जो होता है वो वीर नरसिंह नायरा के पुत्र की हत्या कर तुलुब वंश की स्थापना करता है। विजयनगर के इतिहास में घटना द्वितीय बलाप्रहार कही जाती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आज तुलुब वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके जो प्रमुख शासक रहते हैं कृष्णदेवराय, उनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए तुलुब वंश को देख लेते हैं। तुलुब वंश का जो टाइम पीरियड होता है 1505 से 1570 के बीच होता है। लगभग 65 वर्षों तक इसने विजयनगर पर शासन किया। इसके जो संस्थापक होते हैं वीर नरसिंह का जो टाइम पीरियड है लगभग कुछ ही वर्षों तक इनका शासन रहता है। उसके बाद इसका चचेरा भाई कृष्णदेव राय 1509 से 1529, 20 वर्षों तक इसने शासन किया। तो ये कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं। कृष्णदेव राय जो होता है वीर नरसिंह का चचेरा भाई होता है, विजयनगर का सबसे महानतम शासक माना जाता है। यह कृष्णदेव राय जो होता है विजयनगर का सबसे महानतम शासक होता है। इसको जो उपाधि मिली होती है वो आंध्रभोज की उपाधि मिली रहती है। इसका काल जो होता है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल और शास्त्रीय युग कहा जाता है। इसका जो काल होता है तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल और शास्त्रीय युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के अन्य प्रमुख कृष्णदेव राय से जुड़े संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। 1515 में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने अपने दूत फादर रुई को इस दरबार में भेजा, क्योंकि उस टाइम में जो है मध्यकालीन इतिहास में लगभग पुर्तगाल लोग आ चुके थे, वास्को डी गामा और सब। तो उस टाइम जो वायसराय रहता है वो अल्बुकर्क रहता है, ये अपने दूत फादर लुई को इसके दरबार में भेजता है 1515 में। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का महानतम शासक कहा है। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का महानतम शासक बताया है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज जो होते हैं 8 तेलुगु कवियों का एक समूह। अष्ट प्रधान भी इंपॉर्टेंट है, जो शिवाजी का मंत्रिमंडल होता है उसे अष्ट प्रधान कहते हैं। इसके जो प्रमुख कवि थे उसमें प्रमुख से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला जो आपका आता है अल्लासी पेडाना, इसे आंध्र कवि पितामा कहा जाता है। इसकी जो ग्रंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुचरितम। दूसरे आपके आते हैं तेनालीरामकृष्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जवाब के लिए फेमस रहते हैं तेनालीरामकृष्ण। इनका इसकी जो इसका जो
प्रमुख उस पुस्तक रहते हैं, पांडुरंग महात्तम के लेखक थे, पांडुरंग महात्तम के लेखक हैं। इसके बाद आता है पिंगली सुरन्ना, थोड़ा सही कर लीजिएगा, सुरन्ना होगा यहाँ पर, पिंगली सुरन्ना जो होते हैं गरुड़ पुराण के लेखक होते हैं। कृष्णदेव राय ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आमुक्तमालत, आमुक्तमालत कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक। यह अर्थशास्त्र की भारतीय राज्य व्यवस्था की पुस्तक थी। जो कृष्णदेव राय के प्रमुख अन्य कार्य हैं उसमें है, यह अपनी माता की स्मृति में नगलापुर नगर बसाया, इसने अपनी माता की स्मृति में नगलापुर नगर बसाया। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, कृष्णदेव राय आपका जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसने हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की याद में बसाया। अब चलिए देख लेते हैं कृष्णदेव राय के विजय अभियान, कृष्णदेव राय के विजय अभियान में जिसको प्रमुख रहता है, 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित करता है। 1510 में इसमें बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1512 में रारचूर दूरभाव तथा गुलबर्गा विजय, गुलबर्गा के इसके अधीन में आ जाता है, इसलिए कर्नाटक में पड़ता है गुलबर्गा, तो राय इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो रायचूर दुभाव तथा गुलबर्गा विजय। 1513 से 1518 उड़ीसा अभियान, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित इंपॉर्टेंट मंदिर है, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित मंदिर उसमें जो आपका है वो है हजारा स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर। दूसरा आपका है विट्ठल स्वामी मंदिर, कृष्णदेव राय द्वारा प्रमुख मंदिर में से एक है हजारा देवी स्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसे उड़ीसा विजय पर बालकृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई, इसने जब उड़ीसा अभियान किया तो वहाँ के विजय पर इसने बालकृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई जिसे इसने विजयनगर के कृष्ण स्वामी मंदिर में स्थापित किया। इसके समय दो पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके समय जो है दो पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए, पहला था डावेट बारबोसा और दूसरा है डोमिगो पायस। आगे चलकर कृष्णदेव राय की जो मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु होती है, पर विजयनगर के जो खत्म होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है सही टाइम पर इसके उत्तराधिकारी नहीं मिल पाते हैं, तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो होता है वो बाल्यावस्था में होता है, तो कृष्णदेव के बाद उसका चचेरा भाई उच्युत राय जिसने लगभग 13 वर्षों तक शासन किया, 1529 से 1542 शासक बना, कृष्णदेव राय का चचेरा भाई होता है। इसी के टाइम में एक नुनीज, उच्युत राय के टाइम में एक नुनीज जो पुर्तगाली का घोड़ा व्यापारी होता है, वह पुस्तक इसी पुस्तक है कुर क्रॉनिकल आप फरनाज नुनीज या उच्युत राय के दरबार में आया है। इसने ही विजयनगर के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लिखा, जिसने जो हमने हरिहर बुक के बारे में अगले वीडियो में पढ़ा था हम लोग ने, उसके बारे में इसी के बुक क्रॉनिकल आप फरनाज नुनीज की बुनीज से मिलते हैं। उच्युत राय के मृत्यु के बाद सदाशिव राय जिसका विजयनगर का अंतिम शासक होता है, सदाशिव राय 1542 से 1570 मतलब लगभग 2800 तक शासक किया बना। इसके समय में इसका बहनोई राम राय ने शासन चलाया जिसकी नीतियों के कारण ही विजयनगर की लगभग समाप्ति मानी जाती है, बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं। इसके समय में इसके बहनोई राम राय ने शासन चलाया और राम राय के बाद इसका एक भाई होता है सदाशिव का चचेरा भाई, वो आरा इसको किडनैप कर लेता है, आगे चलकर आरा बिडू की स्थापना करता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसके बाद इसके बहनोई राम राय ने शासन चलाया। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो विजयनगर के खत्म होने का प्रमुख बताया जाता है, तालीकोटा जिसे राक्षसी तांगड़ी या बनी हड्डी का युद्ध कहते हैं, जनवरी 1565 में युद्ध लड़ा जाता है, तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी या बनी हड्डी युद्ध माना जाता है। माना जाता है ऐसा कि सदाशिव का जो बहनोई होता है राम राय की गलत नीतियों के कारण ही ये युद्ध होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो होता है जो बहमनी समाज होता है इसमें प्रमुख रूप से 5 राज्य होते हैं, इसको ये आपस में लड़ाता रहता है, जिसके कारण जब इनके पता चल जाता है इन बहमनी राज्यों को तो इसने सभी मिलकर विजयनगर पर धावा बोल देते हैं जिसमें इसकी पराजय होती है और ये विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर देते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं इस युद्ध के बारे में। तालीकोटा को राक्षसी तांगड़ी या बनी हड्डी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, राक्षसी तांगड़ी बनी हड्डी का युद्ध कहते हैं, जो ये जनवरी 1565 में हुआ। दक्कन की संयुक्त सैनिक संघ जिसे बहमनी समाज भी कहते हैं, दक्कन की संयुक्त सैनिक और विजयनगर के बीच होता है। इस युद्ध में बराल को छोड़कर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तालीकोटा के युद्ध में इनमें से कौन से युद्ध नहीं लड़ा, तो बराल इस युद्ध में जो होता है बराल को छोड़कर अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा बीदर विजयनगर समाज को नष्ट कर देता है। इस युद्ध में बराल को छोड़कर अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा ने विजयनगर समाज को नष्ट कर देता है। इस युद्ध का कारण राम राय की गलत नीतियां मानी जाती हैं। सदाशिव का जो बहनोई होता है राम राय उसकी गलत नीतियों के कारण इस युद्ध को माना जाता है। एक सीजर फ्रेडरिक लेखक है ने इस युद्ध के वर्णन किया है, तो जिससे ये विजयनगर की समाप्ति हो जाती है इस युद्ध के बाद। इसके बाद आगे आता है अराबिडू वंश जो होता है तालीकोटा युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल जो होता है इसका संस्थापक होता है। तिरुमल ने सदाशिव को लेकर पेनुकोडा गया, वहीं पर इसने यह शासन बनाया था और आगे चलकर इसे अराबिडू वंश का स्थापना करता है। तो उसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, कल के वीडियो में लोग
हमारा वीडियो को खत्म करके, हम इसके बाद हम प्रांतीय बिगटन पढ़ लेंगे, प्रांत दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय बिगटन दो तीन वीडियो में होगा हमारे लोग का, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मुगल काल को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा कुछ टाइम के बाद हम लोग लगभग मध्यकालीन इतिहास को खत्म करके बाद हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर अभी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। अगर आप चैनल पर जुड़े हैं, अभी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर हाँ आने वाले किसी भी एग्जाम NTPC ग्रुप डी किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख दिवस पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।